हाय दोस्तों, आप लोगों को हमारा चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी रेलवेज का एग्जाम हो, उसमें पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो चलिए आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं 16 मार्च 2023 के करंट अफेयर के, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग नया चैनल होने की वजह से आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को जो है व्याख्या देख लेते हैं, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है तथा मोटापा दिवस भी मनाया गया है, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है, 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया है, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस फिर से अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, यानी उसी दिन को 14 मार्च को गणित दिवस के अवसर पे ही अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है, पाई जिसका मान 22/7 होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? आप लोगों को बताना है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जो है सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका सही उत्तर है, बिहार राज्य में जो है सबसे कम साक्षरता दर है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राजेंद्र सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को का महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है, जोधपुर में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? जोधपुर में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है, उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड का देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। कहाँ को? उत्तराखंड को जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा, जो 900 किलोमीटर का होगा। चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिंक उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून लागू करने वाला राज्य बन गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसंधान के सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है, स्वीडन के साथ समझौता किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा? तो इसका सही उत्तर है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु ऊर्जा जो से चलने वाली कौन से देश को उपलब्ध कराएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया आंसर हो गया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फ्रेम्बिएटस ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय? डीकन विश्वविद्यालय। जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने कार्यालय से चीनी कैमरों को हटाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ, वे कौन थे? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे। आंसर सी उसका उत्तर हो गया, लेखक थे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंजाबुरो ओई 1994 में नोबेल पुरस्कार का विजेता है, 1994 के नोबेल पुरस्कार का विजेता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस फार्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में स्विस फार्म IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है चार्ट, जो है चार्ट ऑप्शन बी, चार्ट सबसे प्रदूषित देश है। पहले नंबर पे चार्ट है, दूसरे नंबर पे ईरान है, सॉरी दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम की स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है। किसे? शशिकांत जगन्नाथ वानी को। चलिए कुछ व्याख्या और देख लेते हैं। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में सिरिया घोडावत को नियुक्त किया गया है। LIC के अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास लापोरस तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में अभ्यास लापोरस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के द्वारा किया जाएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, स्वीडन में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। सिप्री जो है स्वीडन में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। भारत के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों का शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? दूसरी बैठक जो है कहाँ हुई है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है अमृतसर में हुई है। G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक जो है अमृतसर में हुई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इस क्लासेस का उसको देखते हैं। अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटक के लिए अपनी सीमाएं खोली है? एक बार फिर से देख लीजिए, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटक के लिए अपनी सीमाएं खोली है? तो इसका सही उत्तर है चीन ने पर्यटक के लिए अपनी सीमाएं खोली है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में क्यांग को नामित किया गया है, ली क्यांग को नामित किया गया है। जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री होता है वहां प्रीमियर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने संचार उपग्रह झोंग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। चलिए हमारा आज का करंट अफेयर का क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही हमें नया चैनल होने की वजह से भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक्स आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो